Hey everyone, welcome to my channel. This is your friend, your coach Rubab. और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड लिफ्ट्स के बारे में और कंपाउंड लिफ्ट्स क्यों ज़रूरी है। हेलो अगेन एवरीवन, मैं इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग फुटेज भी चलाता रहूँगा ताकि आप लोग मेरी शक्ल देख के बोर ना हो। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो कंपाउंड लिफ्ट्स क्या होती है? वैसी एक्सरसाइजेस या वैसी लिफ्ट्स जिसमें आप एक साथ एक से ज़्यादा मसल को ट्रेन करते हो तो उसे कंपाउंड लिफ्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस। आप बेंच प्रेस जब करते हो तो आपकी चेस्ट, आपके शोल्डर, आपके ट्राइसेप्स तीनों एक साथ काम करती हैं, है ना। और जिसमें चेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द काम चेस्ट करती है और उसको असिस्ट करती हैं ट्राइसेप्स और शोल्डर्स, है ना। कंपाउंड लिफ्ट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे बेंट ओवर रोज, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, ओवरहेड प्रेस, पुलअप्स। तो कंपाउंड लिफ्ट्स क्यों ज़रूरी है? मैं इस वीडियो में आपको तीन पॉइंट्स बताऊंगा। तीन पॉइंट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड लिफ्ट्स क्यों ज़रूरी है और वो कैसे यूज़फुल है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ड्रॉप ए लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो शुरू करते हैं नंबर वन पॉइंट से। पहला पॉइंट है, कंपाउंड लिफ्ट्स अलाउ करती हैं आपको कि आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सको। और आप जितना ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करोगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी प्रोग्रेस करेगी, है ना। जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी उतनी जल्दी अडेप्ट करके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, ओवरहेड प्रेस शोल्डर की एक्सरसाइज है और साइड लेटरल रेज जो हम लोग लगाते हैं ये भी शोल्डर की एक्सरसाइज है। लेकिन ओवरहेड प्रेस में आप ज़्यादा हैवी वेट हैंडल करते हो, जैसे 20 केजी से आप 10 ट्रेनर्स लगा रहे हो। और साइड लेटरल रेज में अगर बहुत ही स्ट्रांग हुआ तो 12 केजी से 15 केजी की आप आराम से 10 टू 12 रेप्स लगा सकते हो। तो किस में आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस मिला? जी हाँ, सीटेड डंबल प्रेस या ओवरहेड प्रेस में। हाँ, तो आपके पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप पहले स्टार्ट आप ओवरहेड प्रेस से करो, उसके बाद आप बाद में आइसोलेशन एक्सरसाइज यानी कि साइड लेटरल रेज लगा सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। जी हाँ, अगर आप कंपाउंड लिफ्ट्स अच्छे तरीके से लगाना जानते हो, अच्छे तरीके से मेरा मतलब है आपको पता है कंपाउंड लिफ्ट कब करने, तो आप उसको यूटिलाइज करके आप दो मसल को आसानी से ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका बैक डे है, आप बैक की एक्सरसाइज करने के लिए जिम गए हो और आपको उसी दिन बाइसेप भी ट्रेन करनी है, तो आप क्या करोगे? टिपिकली लोग क्या करते हैं, पांच एक्सरसाइज बैक की करते हैं और चार एक्सरसाइज बाइसेप की, है ना। वैसे तो बाइसेप इतना छोटा मसल ग्रुप है, इसमें आपको चार एक्सरसाइज एक दिन में करने की तो ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह, आप बैक की चार एक्सरसाइज कर सकते हो और दो बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, टोटल छः एक्सरसाइज हुआ, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि सिर्फ दो एक्सरसाइज बाइसेप की? जी हाँ, अगर आप चार बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो जो भी कंपाउंड लिफ्ट आप कर रहे हो अगर बैक की एक्सरसाइज में, फॉर एग्जांपल आप बेंट ओवर रोज कर रहे हो या डंबल रोज कर रहे हो या पुलअप्स कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी बाइसेप ट्रेन हो रही है ना, बाइसेप को भी स्टिमुलस मिल रहा है। तो अब आपको जब आपने चार कंपाउंड लिफ्ट कर लिया है बैक का, तो आपको अलग से बाइसेप के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बाइसेप थोड़ा सा ट्रेन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दो एक्सरसाइज ही बाइसेप की करनी है। फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल कर सकते हो आप, सिंगल आर्म डंबल कर्ल कर सकते हो, हाँ। तो आप इससे क्या हुआ, आप एक साथ दो काम कर लिया आपने, आपने बैक भी ट्रेन कर लिया और आपने बाइसेप भी ट्रेन कर लिया, और बाइसेप की आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसी तरह आप ट्राइसेप में भी सेम तरीका अपना सकते हो, है ना। आप चेस्ट कर रहे हो तो आप बेंच प्रेस, वाइड ग्रिप बेंच प्रेस के बाद आप क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस कर सकते हो, जिसमें ट्राइसेप्स को ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है और आपको ट्राइसेप्स की अलग से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड में। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है? इट सेव्स योर टाइम। जी हाँ, अगर आप जिम में जाके दो से ज़्यादा मसल ग्रुप ट्रेन करना चाहते हो या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप ट्रेन करना चाहते हो, तो आपको वैसे जो लोग जिनको कंपाउंड लिफ्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं जिम में, डेढ़ घंटे दो घंटे तक। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि कंपाउंड लिफ्ट में कौन कौन सी मसल ग्रुप ट्रेन हो रही है, तो आप टाइम बचा सकते हो। जैसे आपको चेस्ट और शोल्डर्स दोनों ट्रेन करने एक दिन, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्लैट बेंच प्रेस से स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस कर सकते हो, उसके बाद आप शोल्डर की एक एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपने फ्लैट और इंक्लाइंड बेंच प्रेस में आपका फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो चुका है, तो आपको ये फ्रंट रेजेस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आपका टाइम बच सकता है।
और अगर आप उसके साथ ट्राइसेप भी ट्रेन करना चाहते हो तो आप ट्राइसेप भी ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि आप उस दिन शोल्डर्स और चेस्ट दोनों ट्रेन कर रहे हो, दोनों में आपकी ट्राइसेप्स इंगेज होती है, तो आपको ट्राइसेप की सिर्फ एक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इस तरह आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो ये रहे मेरे 3 पॉइंट्स। उम्मीद है आपको ये 3 पॉइंट्स जान के समझ आया होगा कि क्यों कंपाउंड लिफ्ट ज़रूरी है और क्यों आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप जाके जिम में पहले कंपाउंड लिफ्ट करो, उसके बाद आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करो, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और इस वीडियो से हट के अगर कोई सवाल है आपके तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी, तब तक के लिए पीस आउट।